Hi guys, welcome back to my channel or welcome to Vogue/Vlogs with Akriti. So as you all can see by the title down below, मैं जा रही हूँ आज अपने बालों का स्मूथनिंग करवाने and I am actually nervous. खुश तो हूँ नहीं मैं थोड़ा nervous ज़्यादा हूँ because last time जब मैंने color कराया था तो मेरे hair बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए थे एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि मैं अब कभी भी ग्लोबल कलर तो कराऊंगी नहीं. जब भी कलर कराना होगा तो मैं हाईलाइट से कराऊंगी. तो आज एक्चुअली क्या हुआ था ना, कल मेरी मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि अगर तुमको स्मूथनिंग कराना है तो शी इज़ फ्री टुडे एंड मेरी दीदी का शादी भी आ रहा है. सो ऐसे तो मुझे कराना ही था. तो आज मैंने शैम्पू कर लिया है, मैंने ना तो कंडीशनर यूज़ किया है ना सिरम लगाया है बिकॉज मम्मी ने मना किया था. जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मेरी मम्मी का पार्लर है विथ 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस. सो या तो मैं उन्हीं के पास कराऊँगी एंड ऑब्वियसली जहाँ फ्री में हो जा रहा है वो बस मेरे बाल इतने लंबे हैं. सो कहीं और कराने जाओ तो आराम से 6-7 thousand तो लग ही जाएगा. तो अभी चलते हैं, मैं काफ़ी नर्वस हूँ. लेट मी शो यू गाइस माय हेयर फॉर द लास्ट टाइम. ऐसे दिस बेसिकली दिस इज हाउ माय हेयर लुक्स राइट नाउ. एक्चुअली वैसे तो मेरे हेयर लाइक स्ट्रेट ही है, नीचे से थोड़ा सा वेवी सॉर्ट ऑफ है एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेट स्मूथनिंग करवाना है. और तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं एंड ऊपर से मैंने आज कंडीशनर भी नहीं लगाया. सो जस्ट लुक एट इट, ओ माई गॉड इट लुक्स सो अनहेल्दी. एंड मैं आज नीचे से थोड़ा सा ट्रिम भी करवाऊँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेटन्स हो गया है. मैं लिटरली कितना साल हो गया, मैंने एक साल पहले थोड़ा सा ट्रिम कराया था, थोड़ा सा ट्रिम इतना सा मुझे बल्कि मेरे बाल कटवाना बिल्कुल नहीं पसंद. सो या लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. अब मैं उधर जाके बड़े वक्त कंटिन्यू करूँगी. तो गाइज मैं चली आई हूँ मेरी मम्मी के पार्लर. वो देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है, इधर देख लो थोड़ा हाई बोल दो. आई नो वी डो नॉट लुक अलाइक, मेरा फेस का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग बहुत अलग है, मम्मा का बहुत अलग. सो आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे आती ही छींक आने लगी है एंड दिस इज बेसिकली द लास्ट टाइम आई एम सीइंग माई फ्रीजी एंड वेवी काइंड ऑफ अ हेयर. तो वैसे मैं पिक्स भी खींचूंगी बिफोर एंड आफ्टर वाला. लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. तो गाइस मेरा क्रीम जो है लग गया है, क्या आप लोगों को दिख रहा होगा. ओह गॉड, सो इसका जो स्मेल है एंड आई डोंट नो इट्स वेरी, पता नहीं क्या है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैंने सर पकड़ लिया, मैं नाक बह रहा है लिटरली. सो या आई एम स्टिल सो कंफ्यूज. सो अभी ये लगा के आई गेस एक घंटा बैठना है, एक घंटा के बाद वॉश करके फिर आयरन मार के आयरन क्या करते हैं. तो गाइस फाइनली सूख गया है, दिख ही रहा होगा. तो जब तक ये सूखा तब तक मैंने खाना भी खा लिया, बहुत भूख लग गया था क्योंकि. एंड नाउ ये इसको वॉश करेंगे और फिर कुछ और लगाना है, आई डोंट नो व्हाट. अच्छा मास्क लगाना है. आई एम स्टिल सो नर्वस, ये लिटरली कैसा ही हो गया है कड़ा कड़ा. और ऊपर मेरी इतनी. सो गाइस अभी वॉश हो गया है, अभी क्या कर रही हो. मास्क लगा रही हूँ, हेयर मास्क. अच्छा मास्क लगा दिए. कितना देर इसको रखना है. 2-3 मिनट.
मेरा सर ऑलरेडी इतना भारी है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मुझे सब की आदत नहीं है। हो गया गाइस, धोना है ब्लो ड्राई कर रही है। सच बताओ तो मुझे ब्लो ड्राई करना बिल्कुल नहीं पसंद है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस मैं तो एयर ड्राई ही करती हूँ मैन करना। सो गाइस, सामने का तो अभी भी भीगा है एंड पीछे का काइंड ऑफ लुक्स गुड। तो अब क्या होगा आयरन। अच्छा अब होगा आयरनिंग। तो वेयर इज द स्ट्रेटनर? स्ट्रेटनर कहाँ है? स्ट्रेटनर भी दिखाना पड़ेगा। दिस इज स्ट्रेटनर। अब इससे होगा गॉड, ये बहुत गर्म है, मैं लिटरली बैकबोन लग रहा है, अब टूट जाएगा। बट स्टिल स्टाइल के लिए कुछ भी लोग करते हैं। ये क्या गिरा? टॉवल गिर गया। एक तो ये चूल मेरे मुंह में लग रहा है, आपको धुआं दिख रहा है गाइस? ओह माय गॉड, रेस्ट इन पीस माय डियर हेयर। सो गाइस, देख ही सकते हो काफी अच्छा लग रहा है, अभी तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई होप एक दो महीना बाद भी अच्छा रहे। ये सामने से थोड़ा ये कर्ली लग रहा है ना, हटाओ। सो गाइस, देख ही सकते हो मेरा हेयर काफी लॉन्ग लग रहा है, मुझे बिल्कुल कटवाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करूं मम्मी, कटवाऊं कि नहीं? ओह गॉड, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। अब इसके बाद लगेगा गाइस, क्या बोलते हैं मम्मी, न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर भी लग गया है एंड मुझे बिल्कुल कटाने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग लग रहा है एंड आई थॉट ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पूजाज के टाइम पे थोड़ा बहुत कटवा लूँगी इफ रिक्वायर्ड। नहीं तो गाइस, फाइनली इट्स कंप्लीट। ओह माय गॉड, मेरे चेहरे का भी तो रूप रंग उड़ गया है क्योंकि इतना घंटा से मैं ऐसे ही बैठी हूँ। बट जस्ट लुक एट द शाइन, आई रियली लव इट। अभी तो आई होप कुछ दिनों बाद भी ऐसा ही रहे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। ओके, इट्स रियली लॉन्ग, जैसा मुझे चाहिए था। वैसे मैंने थोड़ा सा कटवा लिया है नीचे का, नहीं तो वो और लंबा था। सो या, ऑल थैंक्स टू मॉमीज। थोड़ा देख लो इधर, इतना सीरियस है कब से। ओके, सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर टूडे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।